हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवसी अवस्थी जैसे कि टेन ए हो चुके हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ओके तो आज हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं uh, आज मेरा माना है थोड़े से क्वेश्चन uh, मतलब ईजी और मीडियम रेंज के क्वेश्चन होंगे और आज का लेक्चर नंबर है एंड ओके टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जस्ट वीडियो को एंड तक आप देखो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी तो वीडियो को एंड तक देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए स्टेट पी दे रहे हो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा यूपीएससी में भी ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ओके okay, मैंने पूछा इनमें से मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं ठीक है एक टाइटल लिखा हुआ is, -e so, uh, -e है दैट इज किबला आलम रिमेंबर सो जो किबला आलम है रिमेंबर ये मैंने पूछा ये एक टाइटल है ओके okay? और पूछा मैंने ये टाइटल को हम कहते हैं दैट इज क्वीन मदर रिमेंबर ठीक है सो so, किबला uh, आलम -e -e जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्ड यूज़ करें दैट इज़ ए क्वीन मदर ये टाइटल किसके लिए था बड़ा स्टार्टिंग क्वेश्चन है लेटर मुगल्स आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स मुगल्स के लेटर मुगल्स आते हैं तो शायद आपको आइडिया होगा जोधा भाई रजिया सुल्तान ऊधम भाई रानी जिंदन याद रखिएगा तो दीज आर द फोर ऑप्शन और ये मेरा मानना है पीसीएस वगैरह में आपको देखने को मिलेगा इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऊधम भाई ठीक है अगर आप देखते हैं जब औरंगजेब जो मेन मुग़ल रूलर थे उसके बाद अगर आप देखते हैं लेटर मुगल्स में बड़े ही वीक रूलर्स आए हैं तो उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट वीक रूलर आप कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं रहे हैं ठीक है जिनका अहमद शाह ओके 1748 से लेके 1754 तक वो रूल करते हैं रिमेंबर बट वो अपना याद रखिएगा वो बड़े इनकम्पिटेंट रूलर थे प्रॉपरली रूल नहीं कर पाए थे तो उन्होंने अपना जो स्टेट का अफेयर्स थे रिमेंबर वो उन्होंने ऊधम बाई को दे दिया था जिनको हम क्वीन मदर कहते हैं जिन्होंने इस रूल को आगे कंटिन्यू किया था ओके तो कुछ टाइम तक क्या रखिएगा उधम बाई ने इसको रूल किया था दैट इज इंपॉर्टेंट तो जस्ट रिमेंबर कि ये क्वीन मदर के नाम से क्वेश्चन पूछा सकता आपसे तो आंसर आपको पता होना चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं नंबर सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है जीके गोखले ओके उनके रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट है आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें दो तीन क्वेश्चन कवर होते हैं याद रखिएगा जैसे फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम देखें गांधी जी उनको पॉलिटिकल गुरु कहते थे बहुत लोग कहेंगे हाँ सर गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी फोर्थ स्टेटमेंट सही है देखिए तो फोर्थ सही है इसका मतलब ये हो गया सी और डी में से आंसर है यही भी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरी नहीं आपको सारे ऑप्शंस पता हो बट स्टिल फोर्थ सही हो गया इसका मतलब टू uh, थ्री तो सही है मतलब मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी वो एडिटर हैं शुद्रक के रिमेंबर और उनको टाइटल मिला हुआ द लीडर ऑफ अपोजिशन ओके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट बताना है क्या वो सेक्रेटरी रहे हैं पूर्ण सार्वजनिक सभा के रिमेंबर ये एक स्टैटिक क्वेश्चन होता है ये पता है तो आंसर आ जाएगा रिमेंबर बट स्टिल आप सी तक तो पहुंची गए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ही yes, वॉज द सेक्रेटरी ऑफ पूर्ण सार्वजनिक सभा रिमेंबर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा सुद्रक एडिटर कौन है याद रखिएगा तो आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ओके चले. आगे मूव करते हैं पूरा डिटेल्स यहां पर मेंशन है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा ओके नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ पर्सनालिटी लिखी है विकायजी कामा का नाम लिखा है श्याम जी कृष्ण वर्मा लिखा हुआ है उनके बगल में कुछ इंपॉर्टेंट रिमेंबर जर्नल्स लिखे हुए हैं जैसे कि इंडियन सोशलॉजिस्ट और बंदे मातरम ओके आपसे पूछा इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है ओके okay. मतलब बिकाई जी कामा का इंडियन सोशलॉजिस्ट और श्यामजी कृष्ण वर्मा का बंदे मातरम ओके okay, मैंने बार बार पढ़ाया है विकास जी कामा के बारे में मैंने करंट अफेयर्स पे भी पढ़ाया हुआ याद है याद रखिएगा बड़ा फेमस उनका जनरल है दैट इज बंदे मातरम तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और तो मतलब फर्स्ट रॉन्ग है और सेकेंड भी रॉन्ग है क्योंकि शाम जी कृष्ण वर्मा का जर्नलिस्ट है उसका नाम इंडियन सोशलॉजिस्ट मतलब इसको मैंने रिवर्स कर दिया है तो यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग गया था दैट इज नाइदर द वन नॉट टू बट करेक्ट स्टेटमेंट होगा शाम जी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलॉजिस्ट और विकाई जी का मांगा दैट इज बंदे फोर्थ में आते हैं हिंदू महासभा की बात की जाती है हिंदू महासभा तो इस पर क्वेश्चन दो स्टेटमेंट आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हिंदू स्वदेशी मतलब स्वदेशी के स्पिरिट जो है कि लोकल गुड्स होने चाहिए उस पर उनका स्पिरिट था और जो रिएक्शन था मुस्लिम लीग का फॉर्म होने का उसकी वजह से हिंदू महासभा फॉर्म होती है तो मैं बता दूं हिंदू महासभा जिसको नहीं पता 1915 में फॉर्म हुई थी ठीक है जिसको नहीं पता मैंने बता दिया है ओके और लिखा हुआ हिंदू मेंबर जो हिंदू महासभा के थे उन्होंने सपोर्ट किया था लखनऊ पैक्ट क्या देखिए लखनऊ पैक्ट वो साइन इन 1916 ठीक है आपको मुझे बताना है, जब नाइनटीन में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे ओके आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है देखिए लखनऊ पैक्ट सबको पता है मुस्लिम लीग और एक तरीके से कांग्रेस का आ, मतलब ज्वाइंट सेशन थी ओके तो दोनों मिल गए थे तो अफकोर्स हिंदू महासभा मुस्लिम लीग को तो सपोर्ट नहीं करेगी तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है उन्होंने लखनऊ पैक को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया था और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है याद रखिएगा यस जिस तरह लीग फॉर्म हुई 1906 में उसी के Congress के के कांग्रेस कांग्रेस अंदर अंदर ही याद के ही याद रखिए जो तो, या, ए okay? है आपको तीन स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चलिए पढ़ते हैं मेरा सामानना है कांग्रेस की इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, अंडर वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर ये फॉर्म हुई थी तो बताइए 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी बिल्कुल बनी थी क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी आप लोग कहेंगे नहीं सर वो तो जवाहरलाल नेहरू के अंदर फॉर्म हुई थी तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है फर्स्ट रॉन्ग है इसका मतलब बी और सी में से करेक्ट आंसर होगा थर्ड राइट हो गया है कि बलकन जो माउंट बेडन का प्लान था उसको कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने, ने रिजेक्ट कर दिया था सेकेंड स्टेटमेंट बताना मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल सही है कॉन्स्टिट्यूंट uh, असेंबली की पहली मीटिंग होती 9 दिसंबर 1946 को रिमेंबर और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया था रिमेंबर क्योंकि दे वांटेड अ सेपरेट नेशन दैट इज पाकिस्तान तो और वो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें उनकी सीट्स भी बहुत कम थी ओके तो उन्होंने तो बॉयकआउट किया था करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज ए टू एंड थ्री रिमेंबर सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर बी है डिस्क्रिप्शन अगेन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे चार पॉइंट्स लिखे हैं और बोला ये किस पर्सनलिटी की बात हो रही है तो इसमें पढ़ते हैं एक उनको भारत रत्न मिला है आफ्टर हर रिमेंबर दैट इज नाइनटीन में उनको भारत रत्न मिलता है ओके okay. uh, उनको इंडियन इंटरनेशनल लेन पीस प्राइज भी मिला है 1964 तो ये तो टिपिकल हो गया शायद नहीं बने uh, गांधी जी क्रिटिसाइज़ किया था उनको क्योंकि ही सपोर्टेड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी तो रॉयल इंडियन मिटनी को उन्होंने सपोर्ट किया था उस लेडी ने और उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ओके कभी आप गूगल भी करेंगे ना ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट तुरंत आप डालेंगे सबसे सब पहले एक आंसर आपको दिखेगा दैट इज़ अरुणा आसफ अली रिमेंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली ये उनकी इमेज है याद रखिए ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा एग्जाम से पूछे जा सकते हैं शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट में इनके बारे में जरूर पढ़ते हैं इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए आप इनके हम ज़रूर पढ़िएगा ओके okay? तो करेक्ट आंसर डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सीधा स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है स्वराज पार्टी आप सबको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी ओके okay. uh, तो क्वेश्चन मैंने पूछा जब uh, कि प्रेसिडेंट कौन थे स्वराज पार्टी के जब गया का एनुअल सेशन होता है कॉन्फ्रेंस होता है दिसंबर 1922 में याद रखेगा सीधे सीधे कांग्रेस का प्रेसिडेंट मैंने पूछ लिया है 1922 में गया सेशन में कौन था याद रखिएगा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी आफ्टर द गया एनुअल सेशन मतलब जब गया एनुअल सेशन होता है उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन बनता है स्वराज पार्टी का यह क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे ओके मित्तल भाई पटेल चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू फिर से क्वेश्चन को रीड कर लिए हु द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी ठीक है आफ्टर द गया सेशन गया सेशन बहुत फेमस सेशन है रिमेंबर ठीक है जो एनुअल सेशन होता था कांग्रेस का ओके okay. जो तो 1922 में होता है गया सेशन तो उसके बाद

कि अब हम कांग्रेस लोग जो हैं वो लेजिस्लेचर में इलेक्शन से पार्टिसिपेट करें और लेजिस्लेचर के अंदर जाकर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान करें या तो अपनी राइट्स के लिए लड़े बट ऑफकोर्स जो उन्होंने सेशन में यह बात बोली थी रिमेंबर वो पास नहीं होती क्योंकि गांधी जी का कभी ये नहीं मानना था कि आप एंटर करें लेजिस्लेचर्स के अंदर रिमेंबर ठीक है तो गांधी जी का ये नहीं माना था तो उनका ये पर्पज डिफीट भी हो जाता है रिमेंबर और इसी वजह से उन्होंने ब्रोक अवे कर लेते वो कांग्रेस से और नई पार्टी बना लेते दैट इज स्वराज पार्टी याद रखेगा तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है उन्होंने एक जनवरी दो में रिमेंबर फिर है उनका लेजिस्लेचर पास नहीं हुआ था और वही प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के तो उन्होंने नई पार्टी बना ली मोतीलाल नेहरू और सियादास से मिलकर दैट इज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रिमेंबर ठीक है तो नाम याद रखिए स्वराज पार्टी के नाम से बहुत फेमस है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का नाम आया है तो यहां पर नो no चेंजेस के बारे में मैंने पूछ लिया है ठीक है नो चेंजर्स कौन हुआ करते थे ठीक है देखिए दो टाइप के लोग होते थे एक स्वराजिस्ट होते थे एक होते थे नो no चेंजर याद रखिएगा बड़े इंपॉर्टेंट है देखिए स्वराजिस्ट कौन थे जो चाहते थे लेजिस्लेचर में हमें एंटर करना चाहिए और इलेक्शंस के थ्रू हमें ब्रिटिशर्स से फाइट करना चाहिए और जो नो no चेंजर थे वो कहते थे नहीं हमें गांधी जी की बात माननी चाहिए और वी शुड नॉट फाइट इलेक्शन ओके हमें इलेक्शन फाइट नहीं करना चाहिए तो मैंने पूछा यहां पर ये तो समझ में आ गया स्वराजेश मोतीलाल नेहरू आपने सुना सी आर दास सुना वैसे मैंने पूछा पे नो चेंजेस कौन है ऑप्शंस दिए हुए हैं वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद एम ए अंसारी और सी राजागोपाल आचारी मैं हिंड दे रहा हूँ जो गांधी जी के सपोर्टर होंगे ऑफकोर्स वो होंगे जो हम लेजिस्लेचर में एंटर नहीं करना चाहिए वो ये बोलेंगे मैं जो चारों ऑप्शन दिए हैं दैट इज करेक्ट आंसर ये सारे ही नो चेंजेस का एग्जाम्पल है जो चाहते थे कि हम एंटर ना करें रिमेंबर लेजिस्लेचर्स में ओके okay, तो उनकी ये आइडियोलॉजी थी जो गांधी जी को सपोर्ट करती थी ओके क्वेश्चन नंबर नाइंथ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात करें कभी भी क्विट इंडिया मूवमेंट बोले तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी आते हैं बट यहां पे मैंने क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है कि किसने क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन था वो ड्राफ्ट किया था कंफ्यूज मत होना बहुत लोग इस पे आंसर महात्मा गांधी लगा देते हैं क्वेश्चन देखा नहीं आंसर लगा दिया रिमेंबर ऑप्शन थे पटेल नेहरू गांधी या तो नरेंद्र दियो रिमेंबर इसका करेक्ट आंसर ये रेजोल्यूशन या देखिए ड्राफ्ट किया था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू वेरी फेमस

इंडिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में दूसरा इससे इंडिया को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा टू ऑल इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएई में इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा वो जीरो ड्यूटी लगेगा बड़ा एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट लग रहा है सुनने में थर्ड है एग्रीमेंट विल कवर गुड्स एंड सर्विसेज रूल्स ऑफ ओरिजिन इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओके तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट मैं अगर इसमें से इजी स्टेटमेंट पकड़ूँ सेकंड स्टेटमेंट मुझे बड़ा एक्सट्रीम लग रहा है कि इंडिया पे कोई भी एक्स, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूए में सब फ्री हो जाएगा अरे मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी ऐसा नहीं होगा सारे प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होगा बट ऑल प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता तो थर्ड स्टेटमेंट में रॉन्ग करना सेकंड स्टेटमेंट में रॉन्ग करना चाहूंगा सेकंड मैंने रॉन्ग कर दिया तो इसका मतलब वन स्टेटमेंट तो सही है याद रखिएगा पहला मिडिल ईस्ट के साथ ये फर्स्ट फ्री ट्रेड डील साइन हुई है अब सेकंड थर्ड स्टेटमेंट यस थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो लुकिंग करेक्ट रिमेंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है दैट इज वन एंड थ्री सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिमेंबर कौन कौन से प्रोडक्ट पर क्या क्या रिमेंबर छूट है या तो क्या क्या ऑफ है रिड्यूस है टेरिफ मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया आप पढ़ सकते हैं ओके okay? तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर्स है टेन लेक्चर्स मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार यू का अब आज ट्वेंटी सेकेंड ने, लास है लास्ट डे है फॉर्म नहीं भरा भर दो है ना लास्ट डे है शाम को छः बजे के बाद फॉर्म नहीं भर पाओगे बस मैं रिवाइंड कर रहा हूँ आप लोग को ओके और तुरंत क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो और तीन महीने के अंदर मेरी गारंटी एग्जाम आपका क्रैक होगा मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो रिमेंबर प्लस आप मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए क्योंकि अगर आपने इस कोर्स को देख लिया तो मेरी गारंटी आपकी 90 परसेंट चांसेस आप पर एग्जाम को क्रैक कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिमेंबर ओके okay? और अगर कोई डाउट मेरी को है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम आए चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छा लगाओ क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलाओ तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें रिमेंबर और एप्लीकेशन को एक बार विजिट कर लो डाउनलोड कर लो अगर विजिट नहीं भी करना तो डाउनलोड करके रखो जब टाइम मिले तो एप्लीकेशन को विजिट करना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो जरूर आप इसके पुराने लेक्चर्स भी देखो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी थैंक यू